साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स पे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इस करंट अफेयर में हम वही क्वेश्चन शामिल करते हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 लेटेस्ट क्वेश्चन की। किस प्रवाल भित्त को विश्व धरोहर में सूचीबद्ध किया गया है साथियों? तो ये किया गया है आपका ग्रेट बैरियर रीफ को, ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। 1200 मील लंबी है, 10 से 90 मील तक ये चौड़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रवाल भित्त है जिससे ऑस्ट्रेलिया का पर्यटन, इससे इसको बहुत दूर दूर देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, इसको देखने आते हैं, इसलिए पर्यटन का भी एक मुख्य साधन। किसने पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अवनी लखेरा ने, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा कौन है? ये आपके 2020 ओलंपिक में, 2020 ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं शूटिंग का। पहली गोल्ड मेडलिस्ट है, महिला गोल्ड मेडलिस्ट पैराओलंपिक की 10 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में, एयर राइफल जिसको कहते हैं, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद की है? तो ये है आपका मालदीव। भारत ने मालदीव को, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखता है, अपने पड़ोसियों को मदद करता रहता है, श्रीलंका की काफ़ी मदद की है, इवन पाकिस्तान की मदद की है, अफगानिस्तान की मदद करता है, भारत नेपाल की, भूटान की, अपने पड़ोसियों की मदद आए दिन करता रहता है। तो किसकी की है? मालदीव की है। सेबी ने किसे बीएससी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये सुंदर रमन राममूर्ति जी को नियुक्त किया है। सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना कब हुई? सिक्योरिटी एक्सचेंज कब की? सेबी की स्थापना हुई है आपकी 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, लेकिन वैधानिक मान्यता इससे कब मिली? वैधानिक मान्यता सेबी को 30 जनवरी 1992 में इसे वैधानिक मान्यता मिली। बीएससी जो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, बीएससी कब का है? 1875 में, बहुत पुराना है स्टॉक एक्सचेंज। तो सेबी जो है रेगुलेट करती है इसको, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ये जो करती है, रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज को। तो किसको नियुक्त किया है? सॉरी, ये नियुक्त किया गया है सुंदर रमन राममूर्ति को, सुंदर रमन राममूर्ति जी को सेबी ने नियुक्त किया है। जियांग जेमिन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, चीन के पूर्व राष्ट्रपति, बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, 96 वर्ष में इनका निधन हुआ है। कब से कब तक राष्ट्रपति रहे थे? 1993 से आपके 2003 तक, और 1997 में इन्हीं के जमाने में हांगकांग ब्रिटिश प्रभुसत्ता से आजाद हुआ, हांगकांग आजाद हुआ, ब्रिटिश मुक्त हुआ, ब्रिटिश मुक्त हुआ। और क्या हुआ इनके जमाने में? चीन जो है 2001 में WTO का सदस्य बना, चीन 2001 में WTO का सदस्य बना। अच्छा
सॉरी ग्रेट पर्सनालिटी थे जियांग जेमिन, और इन्होंने 1996 में पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, पहले राष्ट्रपति चीन के भारत की यात्रा पे आने वाले भारत की यात्रा के थे। अगला क्वेश्चन है, गैस मूल्य निर्धारण में किस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी? तो क्रीट पारिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और इन्होंने कहा है कि आपका 2026 तक जो है क्या होगा, मूल्य निर्धारण में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रदूषण दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर सॉरी आज ही के दिन 2 दिसंबर को आज ही के दिन मनाया जाता, आज ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस? क्योंकि इसी के दिन 2 से 3 दिसंबर, 2 की रात को 3 दिसंबर में भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था। क्या हुआ था? 2-3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था। क्या हुआ था? हजारों लोग मारे गए थे, 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट जो है लीक हो गया था, गैस जो थी लीक कर गई थी, जिससे कि हजारों की संख्या लोग मारे गए थे। तो उसी त्रासदी के रूप में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है आपका। फिर आपका कि आग्न वैरियर अभ्यास किसके मध्य आयोजित हो रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है आपका किसके मध्य? इंडिया, भारत और सिंगापुर। 3 दिसंबर तक चलेगा है भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित हो रहा है। इसके अतिरिक्त अभी दिसंबर मध्य में कौन सा आयोजित होगा? वो होगा दिसंबर मध्य में काजिंड होगा, काजिंड आज कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य में अभ्यास किया जाएगा, और अभी हो चुका गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में संपन्न हो चुका है। सॉरी, तो ये इम्पॉर्टेंट अभ्यास है जो आपको याद रखना है। हार्नबिल का 23rd महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया जा रहा है आपका 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य। कहाँ मनाया जा रहा? नागालैंड का प्रमुख महोत्सव है हार्नबिल महोत्सव, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है नागालैंड का। इसका उद्घाटन किसने किया है 1 दिसंबर को? उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति जी ने किया है। माननीय उपराष्ट्रपति कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया है नागालैंड में। किसे उत्तराखंड का ब्रांड अवेस्टर नियुक्त किया गया है? तो प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया, माने जाने पर्सनालिटी, डायरेक्टर, कवि प्रख्यात, तो इस समय भारतीय फिल्म के क्या है, भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष है समय। तो प्रसून जोशी जी को वर्तमान में भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष है, और ये क्या कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं और फिल्मकार भी हैं, सब कुछ हैं।
फिल्म डायरेक्टर, निर्देशक सब। प्रसून जोशी फेमस पर्सनालिटी है। प्रसून जोशी जी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया करिए। 10 मिनट मेरे साथ सुबह बने रहिए, उसका रिविजन कर लिया करिए। पिछले लेक्चर नहीं देखें तो देख लीजिए। इसके अलावा शाम को 10 की दम सीरीज हमारे चलते हैं। इसी जगह क्वालिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसको देख लीजिए। हमारे यहाँ जनरल हिंदी के क्लासेस कंपटीशन लेवल चल रहे हैं, उसको देख लीजिए। टीचिंग तैयारी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी क्लासेस चल रहे हैं, उसे देख लीजिए। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल साइंस की भी क्लासेस चलते हैं। शिखा मैम केमिस्ट्री बायो पढ़ाती हैं, फिजिक्स के भी क्लासेज उपलब्ध हैं, इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेज उपलब्ध हैं। कलीवर अड्डा प्लीज विजिट करिए, देखिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी सुझाव हो आप सुझाव दीजिए, आपका सुझाव का स्वागत, हम उसमें अमल करेंगे। साथियों मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कलीवर अड्डा का साथ लेके अपने गोल को सुनिश्चित करिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद साथियों।